ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हम सबको बहुत पसंद आया, और वो आपका एक अंदाज जो रहता है, जो लुभाता है, बहुत अच्छा लगा। क्या कार्तिक, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई? व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या किरदार, क्योंकि मैं मुदस्सर की अगर बात करूँ, बहुत कामयाब फिल्में दी है, हैप्पी भाग जाएगी, फिर हैप्पी भाग जाएगी, और मुझे लगता है इसका विषय सिक्को लोकल बना दी है। तो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की, हाउ यू केम ऑन? सर मैं तो झपट के, मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी, और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है, तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है। एंड एंड ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं, ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है, आप देख रहे हैं ट्रेलर में वो कितना, मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है, एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस आल्सो, तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है। एंड एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले की है, वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म होती है, एंड विच रिलेट्स, मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें। एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा, सो आई जस्ट जंप्ड ऑन एंड आई जस्ट यू नो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में वो कौन है? भूमि 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 से पूछ रहा हूँ। सर मेरी लाइफ में वो कौन है? पहले पत्नी कौन है सर? पत्नी तो आपके किस्म तो बाद में आएगी, वो कौन है? सर वो पहले आएगी, वो पहले आएगा ना सर। बहुत सारी बहुत सारी है। सर भूषण जी, सर तू माइक लगा। सर नहीं, मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर। चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या, एंड पत्नी है भूमि, और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर। भूमि और पत्नी भी नहीं है सर। हो जाएगी यार। अनन्या और भूमि, आप दोनों से जानना चाहूंगा, दोनों बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। भूमि, आपसे आपको भी कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अनन्या यू लुकिंग हॉट, सुपर हॉट इन द ट्रेलर, यू नो आप भी हॉटनेस कहीं पे भी कम नहीं है बीवी, वो पत्नी होने के बावजूद क्या कहना चाहेंगे? और ये जो कास्टिंग है, मुझे लगता है कि कमाल की कास्टिंग है, अनन्या भूमि, क्या कहना चाहेंगे आप? और किरदारों के बारे में, किरदार को लेके क्या बोलना? मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर। यकीन है यार, आप तो है ही, कार्तिक को जरूर से आपको कहना है। आगे फिल्म पे चार चांद लगा दिए है ना। हाँ अनन्या, आई थिंक जब पहली बार मैंने, मुझे पता चला कि जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था, बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट थी। आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है, और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे। और जब मुझे पता चला अनन्या कार्तिक है फिल्म में, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आर ओन वे इज वेरी क्रैकिंग। मुदस्सर सर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा ओके न्यू अवतार, और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीजें की है इस फिल्म में। थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी, जैसा ये साल रहा है मेरा उसके लिए, आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है, इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर। एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स, और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं। फैंटास्टिक गाने हैं, एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट। पति पत्नी और वो आइकॉनिक फिल्म है, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी से, तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? इट्स नॉट इन द फिल्म, इट्स एन अडेप्टेशन, पर ये गुनगुनाता रहता है। बट